धामरारे वर्तमान पाणीपाग केमिति कि समय तळे आपण जेतेबळे सूचना दउथले कहउथले जे दलकाय दलकाय पवन आसुची मझिरे मझिरे वर्षा भी लुचकाली खेळुची वर्षा होउची पुणी कमी जाउची किंतु कपिलेंद्र रेनकोट पिंधि छिडा आइछंती रातिर अंधकार भितरे तमाम सूचना आपण उठर चाहिबु वर्तमान परिस्थिति बाबद्रे सेठी सुनंदन जब देखा गत किसी घंटा है लगातार भाव में वर्षा लगी रही झिपि झिपि वर्षा लगी रही किंतु ता सहित पवन जदि देखा पवन मझे मझे पवन झटका देखा मिलूँ कारण पवन बही चली पवन रेग बढ़िवार लगी सुनंदन एवं ये वर्षार परिमाण जिते पवन रेग बढ़ुच्च से वर्षार परिमाण टी अधिक जमापड़ी किंतु ये वर्षा लगातार भाव में लगी रही धामरारे पवन जो भाई भाव आम देखुले पवन झटका देखा मिलूँ मझे मझे पवन झटका देखा मिलूँ किंतु वर्तमान समय जदि देखा सुनंदन जो भाई भाव में लोक मान स्थाना तो सारी बात्या आश्रयस्थल को किंतु एबे अपेक्षा रुचि कारण जी समय पाखी से लोकों भितर से आशंका रोचे आम जिते लोकों पाखक जाइलु से चित्र देखुलु ये निश्चित ये चित्र आम देखा चाहूँ जो धामरा जो फिशिंग हार्बर अच्छी से भितर ये भिजुआल आम देखु जोटी की वर्षा लगी रही सुनंदन एवं ता सहित मझे मझे पवन किंतु रातिर अंधकार भितर भी गोटे समस्त मनरे गोटे आशंका रोचे भय रोचे जे ये बात्या कारण या पूर्व जब देखा लोक मान सहित आम आलोचना करूँ धामरार या पूर्व लैंडफल होन अर्थात केवे बात्या स्थल भाग धामरा पाखे छुई नाला तेणु लोक मन में से ही गोटे भय रोचे कारण से पूर्व अनेक बात्या देखी बात्या को सामना करत्यार प्रभाव देखुते कि एथर जिते लैंडफल कर जो आईएमडी पक्षर सूचना दि जाइए जे भितरकनिकार धामरा भितर लैंडफल कर तेणु से मन में भय रोचे कितु अनेक लोकों भितर आम सुनंदन जिते कहूँ से निजर भिटामाटी छाड़क राजी ना कि बर्तमान समय जिते पवन रेग बढ़ुची झटका देखा मिलूँ अनेक लोक से बात्या आश्रयस्थल को स्थानांतरित हो सारी जो मैंने घरे रही बात्या आश्रयस्थल कपिलेंद्र या सहित भी आम जाना चाहूँ विस्तृत भाव में आप सका विभिन्न समय चित्र आम दर्शकों पाखे पहुँचाई धामरा तत्संलग्न आखपाख अंचल विभिन्न ग्रामांचल केमती सेठी कार्य चली स्थानातरण प्रक्रिया ठार आरंभ कर विभिन्न प्रशासनिक जो बंदोबस्त करपर्यंत पूरा दिन जदि आप गोटे आकलन गोटे सारांश आम दर्शकों आगे रखापी चाहिए जे केमी प्रस्तुति धामरारे करा एबे धामरारे गाँ गंडा गुड़िकर परिस्थित कौन स्थानातरण जो लोक मानक रखा जाठी बर्तमान आप कौन देखुं से तमाम तथ्य जी गोटे सारांश दर्शकों पाखे आप रखापी चाहिए सुनंदन जब देखा दिन सका ही निजे कलेक्टर पहुंची थे और लोक बुझासुझा करुते बात्या आश्रयस्थल को आसतु परवर्त समय कलेक्टर सूचना देते फोर्स पुलिस सहायता निजी जो लोक मैंने अमानिया हे बात्या आश्रयस्थल को आसवाक राजी हेनी तार चित्र भी आम देखा पाइल परवर्त समय लोक मैंने जिते अमानिया अधिक अमानिया होते से पुलिस सहायता निया अनेक जो तली अंचल अच्छी समुद्र तली अंचल जो कच्चा घर अच्छी मटी घर अच्छी चाल छपर घर था सेठू अनेक लोक आसू नथिले पुलिस सहायता पुलिस बुझासुझा करवर्त समय आम अपराह देखी मंत्री निजे सुर सूर्यवंशी से आसी लोक मानक बुझासुझा करें प्राय लोक कह गए बात्या आश्रयस्थल को पहुंची थे बात्या आश्रयस्थल जदि प्रशासन पक्षर जो व्यवस्था कराइला रंधा खाद्यर लोक दिहला जेनेटर व्यवस्था करी व्यवस्था कर चित्र को देखी कि आम समुद्र भितर देखुल जो भाई दुईट बोट से माने किभली फसी रही थे कारण से बोट गुड़िक खराब हो जाता और बोट खराब हवा फल से अणा जा पार ना और से समुद्र भितर थे जुआर मझे रही थे और परवर्ती जदि देखा बात्या आश्रयस्थल स्थित आम सुनंदन परखीलु जिते बड़े संध्या होता संध्या पर आम बात्या आश्रयस्थल स्थित परखीलु स्थित से लोक रंधा खाद्य दिहता देखा अनेक लोकों भितर कितु अनेक गाँ को जितेबाला आम जाइलु अनेक गाँव में लोक एवं से संध्या सुधा से गाँव में रही थे कारण से गाई गोरु एवं अन्यान्य जो जिनस अच्छी छाड़ी निज भिटामाटी को छाड़क अनेक राजी नथिले कारण से मतरे आम बात्या देखीचु आम किंतु केवे भिटामाटी छाड़ू आम गाई गोरु को आम जो जीवजंतु आम पोषा जीवजंतु को छाड़ी कुआडे जाइनु तेणु से चाहू नथिले किंतु जदि से मन में भी से भय रही जे बात्या जितेबाला एठी लैंडफल करुच्छी तेणु आम मन में भय अच्छी जदि अधिक पवन आसे ताला आम पलैबू कितु एवं आम जब सुनंदन कह पवन धीरे धीरे बढ़ुची
ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଯେଉଁ ଝିପ୍ଝିପ୍ ବର୍ଷା ଚାଲିଥିଲା ତାର ପ୍ରତିଟି ଭିଜୁଆଲ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ କଏଦ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଭାତ ସିହ୍ନା ଏବଂ ତମାମ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛେ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବାତ୍ୟାର କଭରେଜ ନୂଆ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଧରି ରଖିବାର କଳା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଚିତ୍ର ସିଏ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ତଳେ ଆମେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଯେ କେମିତି ସେଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନ ବେଗ ଧରିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଦଲକାଏ ପବନ ଛାତିରେ ଟିକେ ଭୟକୁ ବଢ଼େଇ ବି ଦେଉଛି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ।